श्री राम करंची चटपटे मसाले वाले, जय श्री राम पराठे वाले। तो भाई यहाँ देख लो कितने यूनिक स्टाइल में पराठा बनाया जा रहा है। भाई ये है आगरा का द मोस्ट वायरल पराठा, जिसको कहा जाता है मलाई पराठा। भाई इसको बनाने के लिए आलू का भरता, प्याज, लहसुन, अदरक और साथ में हरी मिर्च यानी कैप्सूल को मिलाया जाता है। कुछ इस तरीके से पराठों का स्टफिंग को तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इसमें खूब ढेर सारे मसाले डाले जाते हैं। मैंने भैया से पूछा भाई मसाले ये कौन से हैं, तो भैया ने मेरे को बताया कि ये इनके यूनिक और सीक्रेट मसाले हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से स्टफिंग तैयार करने के बाद, नॉर्मली आप पराठे रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसको बेल लिया जाता है। पूरी स्टफिंग के बाद भाई ये बहुत ही ज्यादा हैवी हो रखा है, मतलब मेरे को इसको देख के लग रहा था ये इतना हैवी पराठा खाऊंगी। और फाइनली ये बिलने के बाद भाई ये तवा देख लो, 40 किलो का ये तवा था, ऊपर से आ गई हमारी मलाई। लुक एट दिस ब्रो, इतनी हैवी मलाई, और मलाई का पराठा खाने वाले हो तो भाई कुछ इस तरीके से भैया ने फुल क्रीम मिल्क दूध के साथ ये मलाई निकाल लिए, ग्लास के अंदर ऊपर डाल दिए, टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर रहे हैं, ऊपर से आ चुका है भाई भैंस का प्योर मक्खन जो कि दूध से बनाया गया है इनके यहाँ भैंस के दूध का। इसके साथ ही आपको सीक्रेट मसाले यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि सभी मसालों को मिक्स करके कुछ ऑमलेट की तरह भी कुछ इस तरीके से फेंट रहे, जैसे कि ऐसा लग रहा है ना कि भैया ऑमलेट बना रहे हैं। तो भाई ऊपर से आ चुका है अमूल बटर की टिक्की जो कि पूरे इस पराठे के अंदर बनाई गई हो, भाई फूल के तैयार हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि भाई पूड़ियां बन रही है। और ऊपर से लगा दी देसी घी, मतलब अमूल की टिक्की और देसी घी, ओहो क्या कॉम्बिनेशन है। साथ ही ये है मलाई का पराठा, तो भाई सोच सोच के भी लग रहा है ना उसको कुछ इस तरीके से पकाया जाता है, एकदम से फ्राइड कर दिया है, करकरे करारेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं आपके। और भाई जिस चीज का इंतजार है ना वो ही यहाँ पर होने वाला है। तो भाई क्या आता है अब? जी हाँ, अब आती है हमारी मलाई। तो भाई कुछ इस तरीके से कटिंग कर ली जाती है इसको साइड साइड, तो ऊपर से आ चुकी है हमारी मलाई। तो भाई जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया इस पराठे के अंदर, उसको पलट दिया है और भाई इसको दोबारा से 5 मिनट तक कुछ इसी तरीके से इसको तवे के ऊपर फ्राई करने के बाद भैया कुछ इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। और भाई कटिंग के बाद जो भाई ये मलाई दिख रही है ना बाहर, ओहो भाई ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, इसको खाने का तो मन ही कर जाए। तो और ऊपर से डाले चाट का मसाला। फाइनली अपना बन चुका है मलाई का पराठा, लुक एट द साइज गाइस, क्या मस्त लग रहा है। और भाई इसमें से जो खुशबू आ रही है ना उसकी तो बात ही अलग है। तो भाई तवे की भी कंडीशन आप लोग देख ही सकते हैं, खूब ढेर सारा मलाई मलाई है चारों तरफ। अगर आपको भी ये वाला पराठा खाना है ना तो आपको आना होगा आगरा के आई लव पॉइंट यानी फतेहाबाद रोड पर श्री राम ढाबे वाले के यहाँ, जिसके यहाँ ये पराठा आपको 200 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और भाई इस जगह पर आपको 200 तरीके के पराठे मिल जाएंगे। और भाई खाने की बात की जाए ना तो ये पराठा अल्टीमेट लगा मुझे, सीरियसली बहुत टेस्टी लगा। आप इसे ड्राई भी खा सकते हैं बिना चटनी बिना अचार। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा।